आज भाई ये पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, कह रही आज अलग रास्ते से चलते हैं। तो भाई आज श्रीमती जी की डिमांड है कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ एडवेंचर स्प्राइट पी के। बारिश वाला पानी झरना आ रहा है, बारिश का पानी आता है यहाँ से, बहुत तो बढ़िया है। ऊपर तो हमने देखा है कई लोगों को आते हुए, बच्चों को भी आते हुए, तो आज हम भी तो आज इस साइड से जा रहे हैं। तो श्रीमती जी की बात तो माननी पड़ेगी भाई, आप फिर बोलोगे इसकी बात कोई और कुछ कहना हो तो बता दे, फिर बोलते हैं बात काटता है। इसको मैं ना पूरा चैनल दे दूँ ना पूरा जिंदगी भर के लिए, फिर भी बोले कि नहीं नहीं पहले क्यों नहीं दिया। मैं नहीं बोलती, फ्रेंड बोलते हैं। तो भाई कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बहुत किताबों में पढ़ा, हर जगह लिखा होता है, पर किसी के समझ नहीं आया। पर आज के उसने है ना कोरोना ने समझा दिया, इसको भी समझ आ गया। वो हो ये रहा यार, पहले ना जैसे गरीब आदमी तो लगा उसको तो कोई पता ही नहीं है पैसा कमाना, मिडिल क्लास वाला पता नहीं क्या छूना चाहता है, और जिन्होंने बहुत कुछ छू चुके हैं, जैसे बहुत सारे जो टॉप बहुत ऊपर वाले लेवल वाले, मतलब मुकेश अंबानी टाइप के लोग, उस तरह के लोग वो सोचते थे यार हमारे पास धन है हम मर नहीं सकते। कोरोना ने दिखा दिया भाई, आज आज पॉजिटिव हो गए कल से लूडो के भी जाओ, तो सब लगे हुए हैं भागा दौड़ी में सुबह मॉर्निंग वॉक पे बढ़ गए हैं सारे। तो पहली बार एहसास हुआ कि भाई हमारी इम्यूनिटी और हमारी सेहत ही बचा सकती है। तो भाई मॉर्निंग वॉक करते रहो, तो मैंने कहा एक मैसेज दे दे और गुड मॉर्निंग भी कर लें। भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे और इवनिंग वॉक भी। मॉर्निंग में टाइम मिले भाई मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में टाइम मिले इवनिंग में करो करो यार। और वैसे भी देखो इतने बढ़िया नज़ारे दिखते हैं ना, हम घर में पड़े रहते हैं, हमें भी आलस आता है कभी कभी, पर जब आ जाते हैं ना जब बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो उठ के आ गए। कैसा है भाई, कैसा है तू? कैसे नहीं, अब नहीं कहेगा। आप कैसे हो शौर्य, ठीक हो? तू सुनाएगा? हैं गड्डी गड्डी आगी। क्या बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है फिर दोबारा, मेरे को समझ नहीं आती भाई। कह रहा तुम पागल हो, नहीं समझ आता मैं क्या करूं। वो बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। हाँ तो भाई सुबह सुबह इतनी सारी मतलब 10-12 किलोमीटर करने के बाद ना ऐसी बेहोशी वाली नींद होती है, तो आधे से ज़्यादा काम है ना छूट जाते हैं। उस दोस्त बोल रहे थे भाई डेली शुरू कर दो, तो भाई डेली तो कहाँ हो पाएगा, ये 3-4 अल्टरनेट डेज पे कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यार एक चीज़ शेयर करनी थी, हमारी मैडम के नाम मैंने करंट अकाउंट खुलवाना था प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो प्रोप्राइटरशिप में इसका रजिस्ट्रेशन तो कोई है नहीं, तो करंट अकाउंट खुलने में दिक्कत है। और इसने गलती क्या करी है, इसने ना इसने अपना आधार कार्ड हमारा दिल्ली से जब चेंज हुआ
तो उसने आज तक इसको प्रिंट आउट भी नहीं लिया। मैंने तो, मेरी गलती थी। जब भी कोई काम पड़ता है ना इसको तभी याद आती है जब मैं फिर और उस काम के दौरान हम जाते हैं कैफे में, हमारे घर में भी प्रिंटर है सब कुछ है पर वो नहीं निकलता। कैफे में जाएंगे तो साइड डाउन, तो आधार कार्ड ओरिजिनल के बिना वैसे नहीं खुलेगा, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए। मेरा एक अकाउंट करंट अकाउंट ऑलरेडी HDFC में है पर HDFC वाले बोल रहे हैं कि यार लेबर लाइसेंस बनवाओ, तो भाई जो काम हमारा है ही नहीं वो नहीं बनेगा। तो HDFC में बात करी, इंडसइंड में बात करी, एक सरकारी बैंक यूनियन बैंक में बात करी, तीनों की अलग अलग गाइडलाइन है। सब कह रहे हैं कि भाई तुम ये ले आओ तुम ये ले आओ। तो सोचिए एक ही तरह का करंट अकाउंट खुलना है प्रोप्राइटरशिप, और सबको अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है कि भाई इसमें तो खुल ही जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, तो भाई GST रजिस्ट्रेशन के अंडर में ये आएगी ही नहीं, तो फिर हमारी ना कोई ऐसी सर्विसेज है ना कोई चीज़ है कि GST की जरूरत पड़े। मैंने अपना भी लिया था वो भी ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि 20 लाख से नीचे में उस साल में नहीं चाहिए होता है। तो अब भटक रहे हैं इधर से उधर। अब एक उद्योग आधार का लास्ट ऑप्शन बचा है कि उद्योग आधार में भी पिछले 3 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए, और ये भी ट्राई कर रही है। कर मैंने अपने मोबाइल में बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं आता। वैसे तो इसको ट्राई करना आता नहीं, आता है पता नहीं क्या मैंने सीख लिया था इनसे। तो भाई कोशिश कर रहे हैं, वो साइड है ना कंटिन्यूएशन के अंदर डाउन चल रही है पिछले 3 दिन से लगातार। मैंने ट्वीट वगैरह भी किए हैं, उस पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, उस पर ही बात करने की कोशिश की। सब बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट नॉट अवेलेबल करके ना कट जाता है। तो अभी जाते हैं चेक करते हैं। भाई एक आदमी बोल रहा था कि शायद उसके पास कैफे से हो जाए या कुछ और जुगाड़ बताए, तो एक बार जाके देखना पड़ेगा। ये बिना धूप के है ना काला चश्मा लगाए घूम रही है। धूप है हाँ, धूप में बड़े वो अंगारे बरस रहे हैं। लेडीज को एक बार बस सजने का है ना मौका मिल जाए। चश्मा तो और चश्मा लगा लिया और क्या सजेगी। तो भाई उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं, काम तो ऑनलाइन है लेकिन हो नहीं रहा है। भाई ये तो बढ़िया सिस्टम हो गया देहरादून वाला, ऋषिकेश में भी हैं। अब ये देखिए साफ सफाई से चीज़ें लगी हो तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल तमीज से चीज़ें लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं। तो भाई नगरपालिका को वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप ऐसे ही ईमानदारी से ग्राउंड पे काम करो तो कौन आपको गाली देगा, कोई नहीं दे सकता। तो भाई फाइनली अपडेट ये है कि भाई आधार कार्ड तो निकल गया 2.5 साल बाद हमारा, इस मतलब इसका ओरिजिनल आधार कार्ड निकल गया। हुआ ये था यार, पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया था लगभग 6 महीने बाद ही कि भाई आपका आधार कार्ड की वो आ गई है, कॉपी आ गई है तो आप ले जाइए। तो हमने कहा भाई तो आपकी जिम्मेवारी, आप घर पे देके जाइए। तो मेरा तो देगा, इसका नहीं देगा। तो उसकी सज़ा हमने फिर 1.5-2 साल भुगती है। तो फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद, साइड होने के बाद आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकल गया फाइनली। अब इसके पास हार्ड कॉपी है ओरिजिनल। और दूसरी चीज़, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन भाई अभी भी नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। और तीसरी चीज़, ये ना दांत दिखाती रहती है, ये अभी अभी हम मार्केट से आए हैं, अब इसको नाशपाती लेने जाना है। इसको ना हर मिनट के अंदर कुछ ना कुछ, ये कुछ नहीं लेके आते, जब मैं अकेली जाती हूँ मेरे को सब चीज याद रहती है। मैंने इसको बोला क्योंकि हम मार्केट है ना, हम यहाँ से 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर दूर, और ये मतलब ऐसे जल्दबाजी में रहते हैं ना, ले ले अभी समझ जगह नहीं है ये वो है। तो मैं एक महीने में कई लाख किलोमीटर है ना ये चला देती है, इसको भागना होता है कि अब पूरी नाशपाती ले आऊँ ये ले आऊँ वो ले आऊँ, तो ये चलता रहता है भाई। ये ऋषिकेश में ऑनलाइन सप्लाई कराते हैं ना फ्रूट, ऑनलाइन भेज दोगे ना ये रहा हमारा चैनल। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। अब रेट सस्ते लगा लियो।
एक्सपायरी वगैरह सही है? 30 है ना, 10 दिन की होती है, 10 तारीख तक सही होती है ये। हाँ, बढ़िया, बहुत बिकती है। पनीर की है ना, पनीर की जलेबी। पनीर की जलेबी है, खा के देख रखी है आपने? आपने खा रखी है ना? रबड़ी, रबड़ी भी है, ठीक है नहीं? रबड़ी एक ही है, रबड़ी तो खा रखी है। रबड़ी, रबड़ी लेनी है? बीस की है। हैं, रबड़ी बीस की है, दे दो वो भी दे दो। एक एक जलेबी, एक रबड़ी। पूरे पंडित जी ये देखो क्या क्या खा रही है। तो भाई दो तीन अपडेट देने थे इसलिए ऊपर आ गए। आस्था पथ हमारा लॉक है, बिल्कुल सील है, किसी को नहीं जाने दे रहे। ये दूसरा भाई, एक ये हमारा क्या कहते हैं, हमारे जानकी सेतु का एक भाई ने बोला कि आप जानकी सेतु को दिखा दीजिए। और क्या कहते हैं, 15 अगस्त को इसका उद्घाटन है। तो नॉर्मली तो मैं किसी के उद्घाटन वगैरह में ऐसे जाता नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाता रहता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। पर फिर भी हम एक बार कन्फर्म करने गई मैडम भगी भगी जोश में। एक महीने बाद खुलेगा, तो उसको बोल दिया कि भाई एक महीने बाद। तो एक काफी दिन से हो रहा था कि एक महीने बाद हो गया, लेबर चली गई, तो इसलिए इसका तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही हो सकता है कि देखिए अब बारिश भी हो रही है, लेबर भी कभी चली जाती है, क्योंकि बारिश के समय ना वेल्डिंग वगैरह काम चलता रहता है। हमारे भैया बना रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, महाराज जल्दी से कर दो, हमें बाहर जाना है, उस साइड जाना है, लोगों को और आपके आपको भी लेके चलना है। वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रक वगैरह जाने लगे हैं उस साइड में, भीड़ भाड़ होगी तो आपको भी लेके चलते हैं। और दूसरा, हाँ, जिस चीज़ को आप देख के आए सब्सक्राइब का, भाई देखिए ज़बरदस्ती सब्सक्राइब नहीं था। एक वो सब फ्रूट वाला है, हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है वो, ये उसी से फ्रूट लेके आती है, क्योंकि इसको सिर्फ एक नाशपति के लिए बताया और नाशपति मिलती नहीं है बहुत सारे मार्केट में। डॉक्टर का फोन भी आ रहा है मेरे पास। और वो हमेशा क्या करता है, हमेशा रीजनेबल प्राइस में बढ़िया सब्जियाँ, वो सब्जी बोल रहा हूँ, फ्रूट देता है। जब जरा सी कोई शॉर्टेज होती है किसी फ्रूट की, पूरे आसपास में सब रेट बढ़ा देते हैं अपने जानबूझ के, जबकि लाते कम में सोचते हैं कोई बात नहीं प्रॉफिट कमा लें। तो उसकी खराब हो जाएगी पर देंगे नहीं, तो उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने कहा नहीं यार, देखिए सब्सक्राइब का तो एक बहाना उससे करा दिया, हमारे को जानने भी लगा है वो बहुत अच्छी तरह से। पर एक मैसेज देना था कि देखिए जब हम ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना, खुद ही दिल से सपोर्ट करते हैं, उसने कुछ नहीं कहा, गरीब आदमी है। अब हमने दो चार अपनी सोसाइटी वालों को बोलने जा रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई बल्क में फ्रूट मंगाने हो, कुछ करना हो, तो आप हमारे को बता दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए। तो क्या करेगा कि वो इकट्ठा एक पेटी हम आपस में 4-5 लोग बांट लेंगे, हमें बढ़िया रेट में अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे, प्लस में उस गरीब का भी जो वो पूरे दिन में बेचेगा उतना माल उसका एक झटके के अंदर बिक जाएगा। हमने पहले ही बोला था ऐसे हम किसी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिल के करीब होगा ना, उसको हम जरूर दिखा देते हैं, अपने आप बिना फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते रहते हैं बैठ के। तो और भाई करंट अकाउंट का तो पता ही नहीं है, वो शायद खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कोई बोल रहा था कि शर्मा जी 200-400 रुपये कुछ पता, कोई किसी ने कहा कि बैक साइड से कुछ साइडें बंद कर दी है कि बैक डोर से कुछ एंट्री, और मेरे को समझ नहीं आया क्या सीन है। आप 500 रुपये दो, आपको 5-7 दिन में आपके ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन ही, पर वो पता नहीं कैसे घूम के आएगा। तो मैंने कहा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, तो वो जब आएगा तब बता देंगे। और वीडियो हो गया ज्ञान की बरसात, इसने बहुत ज़्यादा कर दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, हमेशा की तरह से वीडियो को भाई ख़त्म करते हैं। और एक लास्ट यार एक तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, शर्मा जी का भाषण ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो भाई मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी मिलने। अब क्या यार वो 3 दिन वाला ख़त्म करके ना हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालने की कर रहे हैं। बोल अब आप बोलोगे शर्मा जी कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तो भाई फिलहाल कोई नहीं है, जब आएगा तब आपको बता देंगे। हर बार ऐसे ही सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे, तो जब आप बेल आइकन दबाओगे शर्मा जी का वीडियो आ जाएगा, तो भाई देख लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तो चलो भाई, हर हर गंगे हर हर महादेव।